स्विमिंग पूल की स्पेलिंग आती है तुमको? यार जो बता दी तो नहाने देंगे। अच्छा चलो बताओ हा? क्या है स्विमिंग? हाँ तो ऐसा तो आ गया पहले। आ गया आगे तो आगे आगे हिसाब लगा लो। आज से मिठू मिठू कहना बंद करो प्लीज। मिठू ना बुलाऊं क्या बुलाऊं जी? तो मुझे बुलाना क्या बुलाओगे मुझे? अन्नी अब कुछ नहीं हो सकता, आपको गरीब थोड़ी बन जाएंगे। तो बन जाते ना गरीब है? पापा डेंगू। क्या कहा? क्या हुआ? कहाँ पे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई साहब क्या है? क्या ये? ये देखो भाई साहब, ये है डेंगू चिकनगुनिया। अरे यार Today, God promise I speak English because English is India and India is English. I'll have a latte. दो लाते लाओ। हाँ? और लाते रहना, अपनी लाते मत देना। टोटल तीन बार इश्क किया और तीनों बार ऐसा इश्क मतलब जान ले वाइश, मतलब घनघोर अदभुत। आप टच में हैं उनसे? ना, आश्रम बुक करवाया आपने मिस जयश्री? गंगा का व्यू देखिए, सुबह 6 बजे उठ के योगा कीजिए। सुबह 6 बजे मुर्गे योगा करते हैं जयश्री जी, हम इतनी जल्दी क्यों उठेंगे? मिस जयश्री इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तो धीरे कैसे चिल्लाते हैं? आपकी हंसी बहुत प्यारी है। दादू बहुत देर से आंख बंद किए हुए बैठे। चुप करके बैठ। टपक गए तो बनारस से अच्छी कोई जगह नहीं है। शट अप। हेलो फीफू। हाय। हवा ये कलकत्ता जाना है, कौन जाएगा? अरे दिल की बुरी नहीं है वो। फीफू फीफू व्हाट? कोई ड्राइवर ही रेडी नहीं है। यू आर गोइंग टू टेक अस? अरे ये भी तो जाएगा। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बेकार में इमोशनल होके फंस तो नहीं गया मैं ये छिकछिक के बाप बेटी के बीच में। अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो तुम्हारे 90 साल के बच्चे को साथ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करोगे? माथा खराब नहीं है मेरा। आई बोल दुआएं अपनों के लिए की जाती हैं, लेकिन हम जैसों का कोई अपना नहीं होता, हमें चुनाई इसलिए जाता है। 9 साल पहले कोई नहीं था जिसे मेरे होने की खुशी या मेरे ना होने का गम हो, लेकिन 9 साल बहुत लंबा अरसा होता है। ये बात हम भी तो कह सकते हैं तुम्हारे बारे में, तुम कौन सा ताकती रहती हो जैसे पहले ताकती थी दिन भर। खुर्रम कोई मौका नहीं छोड़ता था ये जताने का कि वो ऐसा ऐसे है। कई साल गुजर गए इस उम्मीद में कि खुर्रम से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके और मैं वापस रिपोर्ट कर सकूं, लेकिन अब वो सब उम्मीदें बदल चुकी थीं। कराची के तमाम सुनने वालों को मुकम्मल घर में कहती हूँ खुशामदी। अरे यकीन कीजिए सर, टारगेट को बिल्कुल शक नहीं है, ये हमारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्वाब है कि उसको जिंदा इस मुल्क से खींच के लेके जाऊं और हिंदुस्तान के हवाले करूं। कबीरो मेरी जान, आपको लेने आएंगे ना? बिल्कुल लेने आएंगे। सर डॉक्टर ने बेटी और नौकर को धर्म प्रचारक आसन में देखा। धर्म प्रचारक आसन? व्हाट इज दैट? मिशनरी, मिशनरी पोजीशन सर। व्हाट इज दैट? तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने इनको धर्म प्रचारक अवस्था में देखा और वो गोल्फ की डंडी लेने के लिए भागा बाहर, और जब तक वो वापस आया तब तक नौकर और बच्ची उसी व्हाटएवर अवस्था में लगे हुए थे। धर्म प्रचारक सर, बी सीरियस सर प्लीज। आप पुल के स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, पुल के डिजाइन में कोई गड़बड़ी थी? मैंने 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 खाया मैंने खाया मैंने खाया मैंने खाया जिस चीज के बारे में समझते नहीं। अरे तेरे प्लीज तेरे बेटे के कान के 2 इंच दूर से मैंने गोली चलाई, तेरी सिसकी निकल गई। मेरे बेटे को तुम लोगों ने हजारों टन सीमेंट कारा पत्थर के नीचे रौन डाला। King of Kings. आजकल तुझे प्यास नहीं लगती? ना ना।
तेरी आंख तो मुझे मियां, वरना हिसाब में हम सब चल गिरा हो जाए। मर सकते हो तुम हमारे लिए, और मार भी सकते हो। तू मेरे रूबरू है। नंगा कितना घिनौना लगता है, हमारे बाप की उम्र का होगा कम से कम। मेरे बाप है वो। और फिर एक दिन सारे रिश्ते बदल गए एक गुनाह से। किसी एक को मरना होगा तुम्हें। एक हवस से, एक जुनून से। कौन पता है जनाब? अंदर देख कके, अंदर देख। हमारा इश्क तो बात है रविया। कैसे हैं सर? स्टेशन जाते हैं? सर डोंट माइंड, एक बात पूछूं? ऑफिस के लोग बोलते हैं कि आपने एक बिल्ली को लात मारी थी चलते चलते, वो बिल्ली बस के नीचे आ गई थी और आप चलते थे, देखा तक नहीं। बिल्ली नहीं थी एक्चुअली, आदमी था अंधा, रास्ता पूछ रहा था तो मैंने धक्का दिया, बस के नीचे आ गया। डब्बा किसी और को चला गया लगता है। कल खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। आज भेज रही हूँ पनीर, मेरे हस्बैंड का फेवरेट। इला, हस्बैंड कल रात बहुत देर से आए, वो कुछ नहीं बोले। डियर इला, क्या बात है सर, आज तो बड़े खिल रहे हैं। सरकारी दफ्तर नहीं कि कोट टांगा और निकल गए। दो दिन लेट कैसे हुए? श्रीमान मां बीमार थी। श्रीमान मेरी शादी थी। और तुम? श्रीमान हमारी तो फसल खड़ी थी, उसको कैसे छोड़ा थे? तो तुमको भी खड़ा नहीं रहने देंगे। अपना सामान सर पर रखो और 10 राउंड मारो। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे? हम थोड़ा तेज भागे श्रीमान, हमें भागने में कोई परहेज नहीं है। चलो देखता हूँ, दोबारा से 10 राउंड लगाओ। सामान के साथ सामान के बिना श्रीमान। पांड सिंह, ये बटालियन है बरात नहीं, राशन फिक्स है, तू सबको भूखा मारेगा? हमारी खुराक थी तो क्या करें? स्पोर्ट्स में जाओ, वहाँ खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है। हमको स्पोर्ट में ले लो, सुना वो खाने पे पाबंदी ना है। स्पोर्ट्स? क्या खेलते हो? साहब जो खिलाई खेल ले, हम तो भजते ही बहुत तेज है। ये भजना क्या होता है? भगते है, भगते है। अच्छा एक काम करो, ये आइसक्रीम मेजर साहब के यहाँ पहुँचा कराओ बिना पिघले। ये मेजर साहब ने भेजी है, अब देख लो पिघली नहीं है। वक्त कितना होगा? 9 बज रहे होंगे, क्यों? आप उनको बोलना 4 मिनट के अंदर पहुंच गई। व्हाट? Wanted to tell you something. It is about your name. It all came out of Gogol's overcoat. One day you will understand. Thank you.